बेखौफ बदमाशों का कहर झारखंड के धर्म नगरी देवघर में नजर आया। बदमाशों ने ढाबा मालिक पर हमला किया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस अंधाधुंध फायरिंग में ढाबा मालिक पप्पू ठाकुर की जान तो बच गई, लेकिन बदमाशों के बुलंद हौसलों ने पुलिस की परेशानी बढ़ा दी और जनता के दिल में खौफ पैदा कर दिया। बदमाशों ने 9 राउंड फायरिंग की और पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बीच सड़क पर बाइक सवार बदमाशों की टोली ढाबे पर पहुंची और फिल्मी स्टाइल में ताबड़तोड़ गोलीबारी की वारदात को अंजाम देकर आराम से फरार हो गए। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इलाके में दहशत फैल गई। सीसीटीवी की फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बदमाशों ने पप्पू ठाकुर पर अचानक हमला किया, किस तरह पप्पू बदमाशों को धक्का देकर अपनी जान बचाकर भाग गए। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच के दौरान घटनास्थल से 6 खोखा और 1 मिस फायर कारतूस बरामद किया। पुलिस का कहना है कि इस घटना के पीछे की मंशा रंगदारी और दहशत फैलाना है और इसे देवघर पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके बाबा परिहस्त गिरोह के गुंडों ने अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के दौरान बदमाशों की हर हरकत तीसरी आंख यानी सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी के जरिए बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। पुलिस जब भी बदमाशों के गिरेबान तक पहुंचे, फिलहाल तो इस घटना ने सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।